और अब एक बात आपके सामने। उस समय की जब गोपीचंद जी को माता मैनावंती जोग दिलवा देती है और घर जाने के बाद 16 रानी और 12 कन्या उनके गढ़ में ढल जाती है, फिर उस बात का उसे एहसास होता कि मैंने गलती कर दी। वापिस गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर प्रार्थना करती है कि बाबा जी मेरे बेटे को वापिस दे दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। और क्या कहती है भजन के द्वारा कवि ने क्या कह दिया, ऐसे बोली बाबा जी कुछ दया करो, मैं थारी शरण में आई और गोपीचंद ने जोग जवा में बहुत गणी दुख पाई। बाबा जी कुछ दया करो, मैं थारी शरण में आई। गोपी चंद ने जोग जवा मैं बहुत गणी दुख पाई। बाबा जी कुछ दया करो, मैं थारी शरण में आई। गोपी चंद ने जोग जवा मैं बहुत गणी दुख पाई, बहुत गणी दुख पाई। मुश्किल हो गया मेरा, जीना मुश्किल हो गया मेरा। यह देश लोग बुराई और गोपी चंद ने जोग जवा है मैं बहुत घड़ी दुख। बाबा जी कुछ दया करो, मैं थारी शरण में आई। गोपी चंद ने जोग जवा मैं बहुत घड़ी दुख पाई। होरी से पल पल भारी, मन होरी से पल पल भारी। इसे बंद में जान फसाई और गोपी चंद ने जोग जवा मैं बहुत गणी दुख। बाबा जी कुछ दया करो, मैं थारी शरण में आई। गोपी चंद ने जोग जवा मैं बहुत गणी दुख पाई। करके खींचा ताड़ी, मैंने आप करके
बिठाई और गोपी तन ले जोग जवा मैं बहुत घनी दुख ओ, 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 ओ बाबा जी कुछ दया करो मैं थारी शरण में आई गोपी तन ले जोग जवा मैं बहुत घनी दुख पाई सिंध कहे करे नख्याल जोड़ी कर के मांगू मेरा लाल मांगू मेरा लाल बस दे दे बारह साल मारी दे दे बारह साल मारी अगत बेल चला